नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उद्यमी योजना के लिए बिग अपडेट, जो भी नया अपडेट है, सप्ताह भर का अपडेट मैंने पूरा इकट्ठा किया है और तकरीबन ये 7 से 8 जिला का अपडेट है। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आप जिस भी जिला से आप आते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा ताकि मैं अगली बार उस जिला के बारे में अपडेट लेकर के आऊँगा। तो आज के इस वीडियो में भागलपुर से रिलेटेड और बेगूसराय, खगड़िया, बहुत सारा ऐसा ज़िला है जहाँ से मैं अपडेट लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। भागलपुर में उद्यमी योजना के चयनित 36 अभ्यर्थियों को मिला प्रमाण पत्र। आज के इस वीडियो में मैं बहुत तकरीबन 4 से 5 या 7 से 8 जिला का मैं अपडेट लेकर के आया हूँ। सारा का अपडेट मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। प्रथम प्रखंड परिसर स्थित यूको आरसेटी कार्यालय में चल रहे 15 दिवसीय उद्यमिता विकास का कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण का समापन शुक्रवार यानी 25 फरवरी को हुआ है। अंतिम दिन मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत 36 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। यूको बैंक उप अंचल प्रबंधक ने, यहाँ पर देख सकते हैं कि जिला उद्योग केंद्र के विश्वकांत ने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यम योजना के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी इन्होंने दिया था और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 9 से लेकर के 25 फरवरी तक चलाया गया। 9 फरवरी 2022 से लेकर के, देख सकते हैं, 9 फरवरी 2022 से लेकर के 25 फरवरी 2022 तक चलाया गया। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को बैंकिंग के वित्तीय व्यवस्था के बारे में भी, उद्यमिता विकास और साथ ही एक सफल उद्यमी बनने की जानकारी विस्तार रूप से दी गई। मौके पर यूको आरसेटी के वरीय पदाधिकारी लोग भी शामिल थे। आइए एक झलक डालते हैं जो भी हमारे पास अभी अपडेट आया है। जिस जिला का अपडेट मेरे पास आया है, कुछ जिला का अपडेट हमारे पास आया है, वो सभी जिला के बारे में मैं बताना चाहूँगा। 25 फरवरी 2022 से मोतिहारी में उद्यमी योजना का ट्रेनिंग खत्म हुआ है। 26 फरवरी 2022 को नवादा में युवा उद्यमी ट्रेनिंग खत्म हुआ है। पटना का ट्रेनिंग 22 फरवरी 2022 से चालू हुआ है और यहाँ तक कि महिला का 2-4 बैच महिला का पटना जिला का ट्रेनिंग खत्म हो चुका है और 22 फरवरी 2022 से चालू हुआ है। सीतामढ़ी जिला में पहला बैच 15 जनवरी 2022 को खत्म हुआ है। बेगूसराय जिला की मैं बात करूँ तो प्रथम प्रशिक्षण बैच 24 जनवरी से 11 फरवरी तक, खगड़िया पहला बैच का ट्रेनिंग खत्म, दूसरे बैच में 30 लोग शामिल हुआ है। अरवल दूसरा फेज महिला का ट्रेनिंग खत्म हुआ है। गया में SC ST का चालू 14 फरवरी 2022 से पहला बैच में 17 लोग को शामिल किया गया था, दूसरा बैच में 37 लोग को शामिल किया गया है। इसी प्रकार से मैं छोटा छोटा अपडेट उद्यमी योजना से रिलेटेड लेकर के आता रहता हूं। इसलिए अभी तक आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने से मेरा मनोबल दोगुना होता है। साथियों, आप किस जिला से आते हैं, उस जिला का कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मैं अगली जो अपडेट मैं लेकर के आऊँगा उस जिला के बारे में मैं अपडेट लेकर के आऊँगा। तो हमारे पास जो भी अपडेट था वो मैं आपके पास मैंने पहुँचाने का प्रयास किया है। अगर आप जिस जिला से आते हैं उस जिला के बारे में बता दीजिएगा, मैं अगली बार उस जिला के बारे में अपडेट लेकर के आऊँगा और 1 सप्ताह के बाद मैं लेकर के आऊँगा। चाहूँगा तो अगर 1 सप्ताह के अंदर में भी मैं लेकर के आऊँगा तो 1 सप्ताह के लिए मैं जो भी छोटा छोटा अपडेट होता है वो उस जिला के बारे में मैं लेकर के आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।